आज तारीख हो चुकी है 13 अगस्त। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई अब आईपीएल में यहाँ पर ओलंपिक जैसे नियम लाने को देख रहा है, जहाँ पर ओलंपिक में यहाँ पर फर्स्ट आने वाले को गोल्ड मेडल मिलता है, सेकेंड वाले को सिल्वर और थर्ड वाले को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। उस प्रकार से आईपीएल में भी जो टीम आईपीएल जीतेगी उस टीम को ट्रॉफी तो मिलेगी, इसके साथ ही सभी प्लेयर्स को गोल्ड मेडल जीतेगा, और जो टीम फाइनल हारेगी उनको यहाँ पर सिल्वर ट्रॉफी मिलेगी और यहाँ पर सिल्वर मेडल दिया जाएगा। इसके साथ ही जो तीसरे नंबर पर है जो टीम फिनिश करेगी वो यहाँ पर टीम को यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल और ब्रॉन्ज ट्रॉफी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर नियम अब आईपीएल में बीसीसीआई लाने को देख रहा है। और क्रिकेट में यहाँ पर आईपीएल पहला टूर्नामेंट रहेगा जो कि इस प्रकार का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, तो अब जल्द ही इस पर भी बीसीसीआई का फैसला आएगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए ये कॉन्सेप्ट आखिर सही है या फिर नहीं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फटाफट ज्वाइन कर ले, ताकि ये कॉन्सेप्ट अगर ऑफिशियल होगा या फिर जो भी अपडेट रहेंगे आपको सब कुछ टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 के एडिशन के लिए नया कप्तान यहां पर ढूंढ रही है, जहां पर फेफ डु प्लेसिस 41 ईयर्स के हो चुके हैं और मोस्ट लाइकली अब वो या तो रिटायर होंगे या फिर आरसीबी में वो दोबारा नहीं आएंगे। आरसीबी की टीम 3 साल के लिए उनको यहां पर रिटेन वैसे भी नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर एज ऑफ नाउ जो नए कप्तान के तौर पर इस टीम ने यहां पर जिनको एज ऑफ नाउ टारगेट किया है उसमें यहां पर रोहित शर्मा और केएल राहुल का नाम है, जहां पर केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों को ही इन्होंने अप्रोच किया, दोनों के साथ ही यहां पर कप्तानी के लिए इन्होंने बातचीत करी है। तो कुल मिलाकर केएल राहुल और रोहित शर्मा इन दोनों के पीछे ऑप्शन में ये टीम लगने वाली है, और जो यहां पर इनके हाथ आएगा उन्हें ये कप्तानी देंगे। और अगर रोहित शर्मा ऑप्शन में आते तो बड़े बड़े रिकॉर्ड यहां पर रोहित शर्मा सेट करने वाले। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप आरसीबी में आखिर केएल राहुल और रोहित शर्मा में से आखिर किसे आप आरसीबी कप्तान के तौर पर देखना चाहोगे। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी सारी खबरें सारे अपडेट्स हम वहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आईपीएल ऑक्शनर्स की तरफ से। दरअसल आईपीएल के ऑक्शनर जो कि यहां पर ह्यूज नाम के यहां पर ऑक्शनर थे, जो कि 2021 तक आईपीएल ऑक्शन होस्ट करते थे, उन्होंने यहां पर विराट कोहली को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि विराट कोहली अगर आईपीएल ऑक्शन में आते तो 30 करोड़ में कम से कम वो बिकेंगे, 30 करोड़ विराट कोहली के लिए यहां पर बोली एटलीस्ट लगेगी, 30 करोड़ प्लस विराट कोहली यहां पर बिकेंगे। अब तक तो विराट कोहली ऑक्शन में नहीं आए, जहां पर बिना ऑक्शन के अब तक विराट कोहली खेल रहे, जहां पर 2008 में यहां पर अंडर 19 के प्लेयर के तौर पर यहां पर ऑक्शन में नहीं आए थे, डायरेक्ट यहां पर उस समय आरसीबी ने इनको परचेस किया था और उसके बाद कभी भी ऑक्शन में नहीं आए। लेकिन यहां पर आईपीएल के ऑक्शनर यहां पर ह्यूज ने ये कहा है कि अगर विराट कोहली ऑक्शन में आएंगे तो 30 प्लस करोड़ में ये बिकेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर कभी भी विराट कोहली ऑक्शन में आएंगे तो कितने करोड़ तक ये बिक सकते हैं, कितनी इनकी बिड जा सकती है। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से। दरअसल मैक्सवेल का काफी साधारण आईपीएल रहा था, अभी आरसीबी से रिलीज हो रही है, कंफर्म्ड हो चुका है और मेगा ऑक्शन का ये भाग बनेंगे, मेगा ऑक्शन में आएंगे। और हेज ऑफ नाउ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहां पर चेन्नई और मुंबई दोनों टीमें इनको टारगेट कर रही है, दोनों टीमें इनके पीछे, दोनों टीमें इनके साथ लगातार कॉन्टैक्ट में। तो या तो चेन्नई की येलो जर्सी में या फिर मुंबई की ब्लू जर्सी में, जहां से इन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करी थी, इन दो में से एक टीम में डेफिनेटली जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैक्सवेल का भले आईपीएल खराब रहा है लेकिन एक बार फिर से ये 10-12 करोड़ में एटलीस्ट बिकेंगे, और मुंबई या फिर चेन्नई एक टीम इनको डेफिनेटली परचेस कर रही है। मुंबई चेन्नई की जिस प्रकार से आईपीएल में राइवल रहती है, अब इन दोनों टीमों के बीच इनको परचेस करने के लिए ऑक्शन में भी राइवल रहेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप आखिर मैक्सवेल को कौन सी टीम में देखना चाहोगे। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है जियो सिनेमा की तरफ से। दरअसल जियो सिनेमा ने यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स को परचेस कर लिया, स्टार स्पोर्ट्स के यहाँ पर 52% राइट्स अब जियो सिनेमा के पास आ चुके। तो जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स अब मर्ज होने वाला है, अक्टूबर में ये मर्ज हो जाएंगे। तो अब जियो सिनेमा जो कि यहाँ पर आईपीएल को मोबाइल में टेलीकास्ट करता है, अब वो स्टार स्पोर्ट्स को भी खरीद चुका है। तो मोबाइल और टेलीविजन दोनों यहाँ पर राइट्स अब अंबानी की कंपनी के पास आ चुके। तो कुल मिलाकर इस बार का आईपीएल अब टोटली हमें यहाँ पर अंबानी की तरफ से ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आती है मोहम्मद सिराज की तरफ। दरअसल मोहम्मद सिराज पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी अधिक ट्रेंड कर रहे हैं, आप स्क्रीन
स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर रेंज रोवर यहाँ पर परचेस करी है, जो कि ये तस्वीरें काफ़ी अधिक वायरल हो रही है। ऑलमोस्ट 1 crore यानी 1 crore के आसपास की इन्होंने कार परचेस करी एक समय में। यहाँ पर इनको 100 रुपये भी पेट्रोल बाइक में पेट्रोल के इनके पास नहीं हुआ करते, तो आज की तारीख में इन्होंने 1 crore की यहाँ पर काफ़ी कीमती कार परचेस करी। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है राशिद खान की तरफ से। दरअसल राशिद खान जिनको यहाँ पर कायरन पोलार्ड ने एक ओवर में लगातार 5 बॉल और 5 छक्के मारे थे, हालांकि दी 100 टूर्नामेंट में 5 बॉलों का ओवर होता, तो वो एक ओवर में सभी बॉलों पर पोलार्ड ने छक्के मारे थे। और अगले मैच से अब ये यहाँ पर कंप्लीटली दी 100 टूर्नामेंट से यहाँ पर बाहर हो चुके। इनको यहाँ पर क्रिस ग्रीन ने रिप्लेस कर दिया, जहाँ पर दी 100 टूर्नामेंट से इनका कहना है कि इनको इंजरी हो चुकी इसलिए बाहर हो रहे। और कुछ लोग ये बता रहे हैं पोलार्ड ने जो इनके खिलाफ जो छक्के लगाए उसके बाद ही जानबूझ के इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, ताकि दूसरा प्लेयर है इनको अटैक ना कर पाए। अब तैयारी के साथ दोबारा यहाँ पर ये कमबैक करेंगे नए यहाँ पर अब गेंदबाजी एक्शन के साथ है, और नए वेरिएशन के साथ ये कमबैक करेंगे। अब हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ। दरअसल फाइनली यहाँ पर रोहित शर्मा 10 साल बाद और विराट कोहली 12 साल बाद अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, जहाँ पर दुलीप ट्रॉफी में अभी इन दोनों का नाम है। ये दोनों अब दुलीप ट्रॉफी यहाँ पर भारतीय टीम या अभी यहाँ पर इंडियन डोमेस्टिक टीम के लिए यहाँ पर खेलेंगे। तो कुल मिला करें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी 4 टीमें डिवाइड होगी। वहाँ पर रोहित विराट ही अलग अलग टीमों से मोस्ट लाइकली खेलते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला करें अब डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ पर ये दोनों खेल रहे हैं, लंबे समय बाद खेल रहे हैं, तो क्राउड है अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में आएगा। आप कमेंट करके बताइए आप इनको दुलीप ट्रॉफी में देखने के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।